एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, MSW लोगो। लोगो का मतलब होता है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये लोगो जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, इसीलिए इसे एमएस विंडोज लोगो के नाम से जाना जाता है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, अबाउट MSW लोगो लिखा हुआ आएगा, फिर यहाँ से ओके कर देना तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। अब ये जो है ना, यहाँ पर हम पेंट के जैसे ड्रॉइंग नहीं कर सकते, जैसे आप पेंट में ड्रॉइंग करते हैं ना, एमएस पेंट आपने देखा है ना, तो आप जैसे मान लीजिए पेंट ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे पेंट डायरेक्टली ओपन करते हैं और यहाँ ड्रॉइंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये पेंट ओपन हुआ और यहाँ पे जो भी ड्रॉइंग बनाना है आप यहाँ पे बनाने लगते हैं, जो भी कुछ बनाना है ऐसे, ठीक है, शेप ले सकते हैं या ये जो कुछ भी करना है यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसके ठीक उल्टा यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, तो आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर जब हम आते हैं तो आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है ये दो विंडोज आपको दिखाई देती है, एक यहाँ पर दिखाई दे रही है और एक ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसमें आपको कमांड टाइप करना होता है, कुछ भी करने के लिए क्या टाइप करना होता है, कमांड, ठीक है। कैसे कमांड टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमें ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, इसे क्या कहते हैं, इसे टर्टल कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्टल। अब टर्टल के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है तो ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहां कमांड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, FD लिखेंगे, क्या लिखेंगे, FD। FD का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माने आगे की ओर, फॉरवर्ड माने क्या होता है, आगे की ओर। तो यहां पे सिंपली लिख दीजिए FD, ठीक है, आप इसको स्मॉल या कैपिटल दोनों में लिख सकती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये FD हो गया और फिर यहां पर कितना फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, कितना ऊपर जाना चाहते हैं, जैसे मान लो 30 जाना चाहते हैं तो यहां 30 लिख करके और आपको एंटर कर देना है। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पर एक लाइन बन गई, देख रहे हो, ये जो है इस तरीके से ये लाइन बन गई है, ये जो टर्टल है ये ऊपर चला गया है और इसके नीचे लाइन ड्रॉ हो गई है। लेकिन मान लो कि तुमको चाहिए कि ये लाइन और बड़ी हो तो क्या करेंगे, तो फिर वही कमांड यहाँ पे लिखेंगे FD, ठीक है। ये कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्मॉल में, ये आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। और यहां मान लो हम 80 कर देते हैं और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो यहां पर क्या हुआ, इसको चेक करना होगा, ये लाइन और बड़ी हो गई, देख रहे हो, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ भी आपको करना है, जैसे मान लो कि आपको राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, तो राइट के लिए क्या करेंगे, राइट के लिए RT लिखेंगे, क्या लिखेंगे, RT, तो ये लिख दिया RT, और यहां 90 डिग्री जाना है तो यहां 90 लिख दिया। अब जैसे ही 90 लिखेंगे तो ये इस तरीके से बन गया, देख रहे हो, ये इधर की तरफ, टर्टल का मुंह देखो, टर्टल का जो फेस है ये इधर की तरफ हो गया है, ठीक है। अगर मान लो कि यहां पर RT के बजाय कुछ और कर देते हैं, RT 72 कर देते हैं या कुछ और कर देते हैं, तो वैसे ही हो जाएगा। जैसे मान लो यहां पे लिखा RT और यहां कर देते हैं 76, तो जैसे ही 76 करेंगे तो इसका मुंह ऐसे हो जाएगा, देख रहे हो, उल्टा हो गया है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो आ रहा है, ये जो जो है ट्राइंगल सा जो दिख रहा है, इसको हम टर्टल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो विंडो है जहां पर ये हम लिख रहे हैं, इसे कमांडर विंडो बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी मेन स्क्रीन है, ठीक है, MSW लोगो की मेन स्क्रीन है। तो इस तरीके से MSW लोगो काम करता है, ठीक है। अब मान लो यहां पर FD 100 दे देंगे तो क्या होगा, ये भी सब देखना पड़ेगा। तो यहां पे चलो हम लिखते हैं FD 100, ठीक है, और एंटर करते हैं। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो ये इस तरीके से आ जाएगा, देख रहे हो, ये उल्टा ऐसे करके बन गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ भी दे सकते हैं, यहां पर FD 200 भी दे सकते हैं, कुछ भी ऐसे दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा FD और यहाँ लिख देते हैं 200, तो फॉरवर्ड 200 हो जाएगा, देखो ये फॉरवर्ड 200 हो गया है, तो ये इस तरीके से बन जा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से आप इसमें शेप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब RT यहाँ पे लिख दिया, अब क्या है, तो यहां पर लिखेंगे हम SET सेट, ठीक है, और यहां लिखेंगे SC और लिख करके यहां पे लिख देते हैं 3 और एंटर कर देते हैं। तो देखो ये स्क्रीन किस कलर की हो गई, ब्लू कलर की हो गई ना, ठीक है, आसमानी कलर की हो गई, स्काई ब्लू। अगर मान लो यहां पे लिख देते हैं SET और यहां लिख देते हैं PC माने होता है पर्सनल कंप्यूटर और ये 4, और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पे देखो ये टर्टल कहां आ गया है, यहां आ गया, और इसका कलर क्या है, टर्टल का कलर चेंज हो गया, ये व्हाइट में ब्लैक में दिख रहा था, अब किस कलर में दिख रहा है, रेड में दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसी तरीके से हम कमांड्स टाइप करेंगे इसमें, ठीक है, यही आपका MSW लोगो है और ये इसी तरीके से काम करता है। कुछ और कमांड्स दिखाते हैं कलर के, जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे रिपीट, REPEAT, ठीक है, बुक में दिया गया होगा, इसको देख के करना है, ठीक है। और रिपीट लिख करके यहाँ पे 4 टाइम रिपीट कराएंगे और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, फॉरवर्ड जाना है तो फॉरवर्ड जाने के लिए FD लिखते हैं, कितना फॉरवर्ड जाना है, 100 फॉरवर्ड जाना है, और कितना RT जाना है,
तो आरटी जाना है हमें 90, तो ये 90 लिख करके अब इसे बंद किया और बंद करके आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। तो यहां पर एंटर करिए या एक्सिक्यूट पे क्लिक कर दीजिए। तो देखो ये किस तरीके से बना है, देखो यहां पे ये जो आया है ये किस तरीके से आया है, देखो नीचे ये देख रही हो ये किस तरीके से आया हुआ है, तो इसी तरीके से ये काम करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चेंजेस करना है, मान लो ये शेप बन गया ना, अब जैसे मान लो कोई और शेप बनाना है, तो कोई और शेप बनाना है तो कुछ और लिखेंगे। जैसे मान लो ये एक शेप आपके बुक में दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं सपोज कीजिए यहाँ पे लिखते हैं हम एफडी या आरटी लिखते हैं, आरटी यहाँ पे लिखते हैं हम 72, देखते हैं क्या बनता है। तो ये आरटी 72 लिखा, तो देखो ये शेप बना है, ये शेप देख रही हो नीचे नीचे नीचे, देखो ये शेप बना हुआ है। ठीक है, और अगर मान लो कुछ और लिख देते हैं आरटी 72 की जगह, जैसे मान लो हम लिख देते हैं एफडी 100 लिख देते हैं, जो अभी लिखा था हमने, तो ये एफडी 100 लिखा, तो ये ऐसे कट जाएगा, ये देखो ये ऐसे कट गया है। ठीक है, अगर कुछ और करना है तो यहाँ पे क्या करना है, एफडी 100 लिख देना है, तो एफडी 100 लिख देते हैं, तो ये हो गया एफडी 100, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो अलग अलग शेप्स अगर बनाने हैं तो इसी में चेंजेस करते रहिए, ये अलग अलग शेप भी तैयार होता हुआ नजर आएगा। अब जैसे मान लो आरटी 90 कर दिया हमने, यहाँ पे आरटी 90 तो 90 कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आरटी 90 कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर आरटी जो है 100 कर देते हैं, 100 पे देखते हैं क्या होता है, तो ये आरटी 100 हो गया, तो 100 करेंगे तो ये ऐसे आएगा। तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते चलेंगे। ठीक है, कलर वगैरह चेंज करना है, और भी चीजें हैं इसमें, तो कलर के लिए मैंने बताया है किस किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं पीडी, पीडी से क्या होगा, यहाँ पीडी लिख देने से तो अभी तो कुछ हुआ नहीं, चलो कुछ और लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सेट सेट पीसी, सेट पीसी, और यहाँ पे लिख देते हैं सेट एफसी लिखते हैं, सेट एफसी, और क्या लिख देते हैं सिक्स लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर सेट एफसी लिख करके और यहाँ पर इसको चलाने से ये हुआ है, अगर सेट एस सी लिखते हैं तो इसके पहले मैंने बताया ही सेट एस सी एक ही में रहेगा, और एंटर कर दीजिए सेट एस सी, और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो देखो ये छोटा हो गया ना, यहाँ पे देखो ये छोटा हो गया, टर्टल क्या हुआ, छोटा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कुछ भी आपको करना है कर सकते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ रिपीट लिखते हैं आर ई पी ई ए टी, रिपीट हो गया, फिर यहाँ पर लिख देते हैं 5, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ लिखते हैं एफ डी, और यहाँ लिखते हैं 105। ठीक है, फिर आर टी लिखते हैं और यहाँ 90 लिखते हैं, और इसको बंद कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो देखो ये शेप जो है फिर आ गया है यहाँ पे, ये देखो ये मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखो ये शेप देखो यहाँ पे नीचे आया हुआ है, ये नीचे जो बन रहा है आधा बनेगा ऐसे ही, जैसे बना हुआ है अभी वैसे ही बनेगा, ये दिख रहा है ना, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है,